महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. उल्हासनगर महापालिकेने 2019 साली अमरधाम चौक येथील साई अंपायर ही इमारत धोकादायक घोषित केली होती. या धोकादायक इमारतीवर महापालिकेच्या वतीने निष्कासन कारवाई सुरू केली, परंतु महापालिकेने नेमून दिलेला कॉन्ट्रॅक्टर मोहम्मद जलील खान यांनी कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा न बाळगता तोडक कारवाईला सुरुवात केली. मात्र आजूबाजूला राहणाऱ्या नागरिकांच्या घरावर थेट मलबा आणि दगड पडत असल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. यात पत्रे, फर्निचर आणि घरातील साहित्यांचं नुकसान झालं आहे. या ठिकाणी जीवितहानी होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. याविषयी महापालिकेकडे तक्रार देऊन कॉन्ट्रॅक्टर कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था नेमत नसल्याने त्याविरुद्ध नागरिकांनी थेट उल्हासनगर पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार दाखल केली. आता तरी महापालिकेने नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नये, सुरक्षा बाळगावी असं नागरिकांचं म्हणणं आहे. साई एम्पायर नाम की धोखादायक बिल्डिंग का तोड़ू कार्रवाई चल रही थी. ये ऐसी बिल्डिंग है जो दो दिन के भीतर ही तोड़ दी है. जब ये लोग तोड़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्टर जो तोड़ रहा था उसने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया है. उसने ना जाली लगाई, ना कोई नेट लगाया, ना ही बैरिकेड लगाया. स्थानीय रहवासी वहाँ पे उनको बोल रहे थे कि कुछ भी हो सकता है, हमारे घर टूट सकते हैं. और इन लोगों को बोला गया था कि आप बाहर रहिए, तो ये लोग बाहर रहे. लेकिन उसके बाद भी दो दिन के अंदर एक बिल्डिंग कैसे टूट सकती है, सबसे पहले ये सवाल है. और इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने कोई भी प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया. अगर आप बिल्डिंग तोड़ते हो तो धीरे धीरे तोड़ते हो, लेकिन इनका कोई तरीका नहीं है तोड़ने का. तो वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गुनाह है जो कि कॉन्ट्रैक्टर ने किया है. उसके बाद में इस वार्ड ऑफिसर ने साइन कैसे कर दिया है कि इस तरह से आप बिल्डिंग तोड़ दीजिए. अभी ये 8 से 9 घर हैं जिनके ऊपर मलबा इस तरह से गिरा है कि इनके पूरे घर चले गए, इनकी छतें, इनके किचन, ये लोग पूरी तरह से बेघर हो गए. तो जान माल का खतरा, तो पुनर्वास के बिना आप किसी का घर तोड़ते हो या किसी का घर कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से या UMC की गलती की वजह से टूटता है, तो पुनर्वास की जिम्मेदारी महानगर पालिका की बनती है. और अगर महानगर पालिका को ही इनको कंपेंसेशन भी देना चाहिए, इनकी छतें पूरी तरह से, इनके घरों को मरम्मत करा के देना चाहिए. और इसी कारण मैं इन सबको पुलिस स्टेशन लेके आई हूँ कि महानगर पालिका पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो वार्ड ऑफिसर है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए. और जब तक कंप्लेन नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे. काजल मूलचंदानी करीबन 4 सालों से इतना बड़ा संघर्ष जो कर रही हैं कि किसी के आशियाने के बचाने का काम कर रही हैं. आज जब मुझे पता चला कि काजल मूलचंदानी यहाँ पर आई हैं और हमारे ये जो भाई बहन हैं, ये एक अजीबोगरीब कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही है. मैं कानूनी जानकार हूँ लेकिन ये कानून मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये तुषार सोनावने जो हैं, एक युवा बहुत पढ़े लिखे वार्ड ऑफिसर है, उन्होंने एक ऐसी नोटिस इन लोगों को दी जो साई एम्पायर बिल्डिंग के आसपास आगे पीछे रहते हैं. ये ठीक है कि उन्होंने एक धोखादायक बिल्डिंग को तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने के तरीके होते हैं. और जो कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिस तरह से तुषार साहब ने इस नोटिस को साइन किया है, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी तुषार सोनावने की, सुपरविजन करने की. कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये इतना हम भी समझते हैं कि किस तरह एक बिल्डिंग को डिमोलिश होता है, जब वो बहुत ही संकीर्ण जगह है, बहुत ही नैरो जगह है. और ऑब्वियसली एक ईंट भी टूटती तो किसी न किसी के पत्रे पे जाती जान. ये कहीं कोई मुझे तो महाराष्ट्र कॉरपोरेशन एक्ट ही नहीं समझ में आ रहा है कि किस कानून के अंतर्गत हमारे इन भाई बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को, हमारे बीमार सिटीजन्स को ये कह दिया गया कि आप सुबह 9 से 6 बजे तक ये बाहर रहिए. ये तो किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन है. आप किसी को कैसे कह सकते हो कि आप उनके घर से बाहर रहिए. सेकेंडली आज उन्होंने फिर भी कॉपरेट किया, शायद मैं होती तो मैं नहीं करती, लेकिन हमारे इन भाई बहनों ने कॉपरेट किया. करने के बाद इतना बुरी तरह इनका जब मैंने देखा कि पूरा विनाश हो चुका है, तो आज ये जो भी कानून की तय है, मैं पूरा का पूरा जिम्मेदार वार्ड ऑफिसर तुषार सोनावने को ठहराऊंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है मिस्टर खान उनको ठहराऊंगी. अब जिस कानून के अंतर्गत इन्होंने इस तरह से एक हिटलर शाही वाला एक नोटिस इन भाई बहनों को दिया, उसी कानून से ये कंपनसेशन देना ही पड़ेगा. नहीं तो काजल के साथ जिस भी हद तक जाना पड़े, मैं अपने इन भाई बहनों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी.
क्या है, आप कहाँ पे रहते हो और क्या हुआ है और अभी आप पुलिस स्टेशन क्यों आए? मेरा नाम संगीता पटाई है, मैं अमरधाम चौक पर 2 नंबर साई एम्पायर बिल्डिंग के पीछे रहती हूँ। हमारे घर के आगे साई एम्पायर बिल्डिंग है, वो डैमेज में थी, आज हमारी बिल्डिंग टूट गई, हम रोड पे आ गए, इस वजह से हम पुलिस स्टेशन आए हैं। हमारा पूरा घर टूट गया है, हमारे बर्तन कपड़े फिर जो वॉशिंग मशीन, हमको खाने के लिए कुछ नहीं है, हम पूरे रोड पे आ गए है। महानगर पालिका ने आपको नोटिस दिया था क्या? नहीं, 2 दिन पहले दिया था, और हमको सुबह तोड़ने वाले क्या बोला, 9 से 6 बाहर बैठो, आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। अब हमारा नुकसान हो गया, हम अभी कहाँ जाए? हम पुलिस स्टेशन इसीलिए आए क्योंकि साई एम्पायर बिल्डिंग जो डेंजर में हमारा पीछे वाला घर है जो सारा डैमेज हो गया है, तो यहाँ की जो म्यूनसिपाली UMC है हमको कॉरपोरेशन नहीं दे रही है, हमको ये सब भरपाई करके दे। तो हम अभी रात को आए, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे? हम निवेदन करते हैं प्लीज़ हमको भरपाई कर देंगे, हम सब घर के बच्चे छोटे कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, प्लीज़ कॉर्पोरेट करिए, हमसे ये गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट है प्लीज़। आकाश साने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।